ब्रेक के बाद खुश आमदीद साद रफीक साहब से। इलेक्शन से पहले क्या बात हुई थी वो जरा सुन लें। साथ आपके मामला चल रहे हैं और वादा मवाद आपके पास नहीं है फिलहाल, और उस तोते को ढूंढने की ट्राइयाँ जारी हैं जिस तोते में आपकी जान है, और नदीम जहाँ नहीं मिला उन्हें, कैसर मीन बट भी नहीं पकड़ा गया, और आपने नैब टीम के सामने कहा था कि अबूरी सेटअप के दौरान मुझे खदशा है मुझे गिरफ्तार कर लिया जाएगा, तो ऐसा तो नहीं हुआ ना आपकी कोई गिरफ्तारी अमल में आई, ना कोई एविडेंस पड़ा है नैब के पास आपके खिलाफ गिरफ्तारी का कोई एविडेंस नहीं है। मेरी इतलात के मुताबिक अकाउंट ज़रूर कोई मुगलपुरा ब्रांच से निकला है जिसका वो लिंक जोड़ते हैं पैरागॉन से। क्या हालात हैं, क्या ख़तरा है आपको अभी तक कि गिरफ्तार भी हो सकते हैं और वो तोता पकड़ा जा सकता है जिसमें आपकी जान है? मेरी जान तो किसी तोते में नहीं है, मैं पहली बात आपको वाजे कर दूँ। दूसरी बात यह है कि अगर कोई ये सोचता है किसी जगह पर बैठ के कि वो किसी को पकड़ के अप्रूवर बनाने की कोशिश करेगा उसको सिक्योर टाइट करके, तो ये तो फेयरनेस नहीं है। अगर आपके पास आप किसी के ख़िलाफ़ कोई सबूत है तो वो आपको सामने लाना चाहिए, और अगर 18-19 साल पहले कोई एक अकाउंट किसी बैंक में किसी बकौल जो हमें उन्होंने कहा है अभी तक उसकी कोई डिटेल भी नहीं दी है, मैं ना बैंक दे रहा ना हमें अप्रूवर बना के अगर कोई सिक्योर करने की कोशिश करेगा तो साद रफीक का ख्याल था कि ये उनके साथ फेयर नहीं है। अलीम खान साहब से कल हमारी गुफ्तगू हुई थी और अलीम खान साहब ने कल बड़ी सख्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, बड़ी सख्त, और उन्होंने कहा था कि मुझे मीडिया वाले जो हैं वो किस तरीके से शहबाज शरीफ साहब से और हमजा शहबाज से मिलाते हैं, तो उसके बाद हमें मौका मिला उनसे गुफ्तगू करने का। क्या गुफ्तगू हुई वो भी सुनिए जरा। अपोजिशन के साथ चेकमेट वाला रवैया आजकल, नवाज शरीफ साहब अंदर गए, मरियम साहिबा अंदर गईं, शहबाज शरीफ साहब जेल में हैं, हमजा साहब परेशान फिर रहे हैं, ख्वाजा बरादरान परेशानी का शिकार हैं, तो ये चेकमेट वाली सूरत हाल है, तो अपोजिशन को ज़्यादा सख्ती नहीं आप लोग कर रहे हैं? देखिए ये तो मकाफात अमल है, जो बीजेंगे वही काटेंगे। ये सारे के सारे केसेस जो बने हैं इनमें से तो कोई एक केस बता दें जो इमरान खान की हुकूमत ने बनाया हो, या कोई हमने नैब रेफरेंस बनाया हो, या हमने कोई केस भी जो है इनके ऊपर काओ के इनिशिएट किया जाए। खान साहब उसमें फिर फुटप्रिंट्स ये मिलते हैं कि आपके अपने बहुत सारे लोगों के जो मसाइल हैं जिसमें रेफरेंस बना हुआ है बाबर रहमान साहब पे और बहुत सारे मसाइल हैं उनके बारे में इदारों की वो सख्ती नज़र नहीं आती जैसे मैंने आपके बारे में पूछा, नैब के आला हुकाम से पूछा। आप अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में फरमा रहे थे ना कि मुझे क्यों मिलाते हैं शहबाज शरीफ साहब से और हमजा साहब से, तो उन्होंने कहा कि हमने बाहर लिखे हुए हैं खतूत, वो वापस आएंगे तो जवाब देंगे, तो वो तेज़ी नज़र नहीं आती जिस तरह फॉलो उन्होंने बाकी चीज़ों को किया है, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ। देखिए बात यह है कि मैंने तो अपने बारे में सिर्फ एक बात कही है कि जब 2015 में मेरे ख़िलाफ़ इंक्वायरी शुरू की गई तो मैं 2015 में किसी भी सीट पे नहीं था, उससे पहले भी पिछले 8 साल से किसी सीट पे नहीं था। मैं 2007 नवंबर में जो है वो रिटायर हो गया था बतौर वज़ीर सूबाई, तो अगर मेरे खिलाफ़ कोई इंक्वायरी बतौर वज़ीर होनी थी तो वो 2008 में होनी चाहिए थी। चलें आपको याद नहीं आया 2009 में कर लेते, नहीं याद आया 2010 में कर लेते, ये 8 साल बाद आपको याद आ गया। इसी तरह जो स्पीकर हमारे हैं सूबाई असम्बली के, उनके खिलाफ भी जो तहकीकात चल रही हैं उनमें भी बहुत सारे अभी इन्वेस्टिगेशन जो है वो होना बाकी है। अलीम खान साहब की इन्वेस्टिगेशन हो रही है, अलीम खान साहब को क्लीन चिट भी नहीं मिली, अगर वो इन्वेस्टिगेशन जो है वो कंक्लूड भी नहीं हुई उसमें बहुत सारे उन्होंने खतूत भी लिखे हैं जिनका जवाब आना बाकी है। और कल हमसे टॉक करने के बाद असम्बली सेशन के बाद हमजा साहब एयरपोर्ट जब गए तो उन्हें ऑफलोड भी किया गया, उनसे गुफ्तगू कल क्या हुई वो भी ज़रा सुनिए। बने हुए अपोजिशन की समत क्या होगी, हुकूमत की समत तो आप रोज़ पहुँचते हैं कि 100 दिन गुजर गए, अपोजिशन की समत क्या है? अपोजिशन की समत जो है वो उनको 100 दिनों का झंडा याद कराना है, और अपोजिशन की समत यह है कि पाकिस्तान की तरक्की की जो समत है ना उस तरफ मामलात को जाना चाहिए, जमहूरियत को मजबूत होना चाहिए, और जो एजेंडा लेकर ये आए थे चाहे लोगों के वोटों पर डाका डाल के आए लेकिन कुछ डिलीवर तो करें यार। बातें करना कंटेनर पर चढ़कर आसान है, काम करना मुश्किल काम है। नवाज शरीफ साहब खामोश हैं, मरियम साहब खामोश हैं, शहबाज शरीफ साहब जेल में, आपके मसाइल चल रहे हैं, ख्वाजा बरादरान मसाइल में, इन सारे मसाइल से आप कैसे बचेंगे और समत का तयन फिर कैसे करेगा और आपकी तर्जमानी फिर कौन करेगा, नून लीग की तर्जमानी कौन करेगा, आवाम तो नोट कर रही है इन सारी चीज़ों को। मसाइल का मुकाबला करना बहादुरी है और अल्लाह ताला पे भरोसा होना चाहिए। हमने 10 साल मुशर्रफ की डिक्टेटरशिप का भी मुकाबला किया है और मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला की मदद शामिल हाल हो ना तो कोई चीज़ मुश्किल नहीं होती है। आप भी यहाँ पर हैं, मैं यहाँ पर हूँ, सब खैर होगी। आखिरी बात हमजा साहब, आखिरी बात बड़ी अहम है, वो ये है कि इन दिनों में लोग ये समझ रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब का वो बड़ा सख्त जो मौक़िफ़ था वो सिर्फ वोट हासिल करने के लिए था, अब खामोशी है, इसका फिर क्या करेंगे? नवाज शरीफ साहब अपनी
बीवी को बिस्तर मर्द पर छोड़कर यार पाकिस्तान आते हैं, अपनी बेटी के साथ जेल जाते हैं और कोई अपना जो है ना वो मुकदमात का सामना करने के लिए बाहर से मुल्क में आता है, लोग भाग जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह शहबाज शरीफ साहब भी जेल काट रहे हैं आपके सामने, 2 महीने हो गए हैं, कोई पाई की एक पाई की करप्शन साबित नहीं हो सकी। नवाज शरीफ पर एहतसाब अदालत के जज ने लिखा है कि करप्शन साबित नहीं हुई। तो मेरे भाई घोड़ा भी यहाँ पे है, मैदान भी यहाँ पर है, घोड़ा भी यहाँ पे, मैदान भी यहाँ पे। चीमा साहिबा शॉर्ट कमेंट कीजिएगा, ये सियासतदान सारे आपस में सेम पेज पे नहीं है, तो इसका एट द एंड जो है वो अपोजिशन जो है अपोजिशन के साथ भी नहीं है, अपोजिशन हुकूमत के साथ भी नहीं है, हुकूमत अपोजिशन के मसाइल आपके सामने है, तो सियासतदान की सियासतदान से लड़ाइयाँ और जिस तरह की तर्जमान आपके जो हैं उन पर जिस तरह से तनकीद होती है, तो ये एट द एंड सफ़र तो आवाम करते हैं। क्या इसका हल है कि सारे लोग जो हैं वो सेम पेज पर आ जाएँ और आवाम की बेहतरी के लिए चलें? काश ऐसा होता कि आवाम के लिए गुड गवर्नेंस के लिए सारे सियासतदान एक पेज पे होते, लेकिन यहाँ पे अगर जहाँ तक आप गवर्नमेंट की बात है तो गवर्नमेंट एक पेज पे है और वो पेज ये है कि हमें इनसे ये नहीं मतलब समझ आती, हमें सब समझा रहे हैं कि तुसी अच्छी हुकूमत नहीं कर रहे। मुझे लगता है गुड गवर्नेंस का मतलब ये है कि द बेस्ट वे ऑफ करप्शन, और करप्शन करें और पता भी ना चले, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हों, ऑरेंज ट्रेन, मेट्रो, बस। ये बात ये है कि हम एक पेज पे हैं और हमारा पेज पाकिस्तान है और पाकिस्तान को राइट डायरेक्शन पे लेके जाना, करप्शन फ्री करना और इदारों को आजाद करना, खुद मुख्तार करना, ये हमारा मिशन है, उसमें हम किसी हद तक कामयाब होते हुए नजर आ रहे हैं, जिसकी वजह से अब सारे ऑपोजिशन भी शोर मचा रही है और सब रौला डाल रहे हैं कि कोई काम नहीं हो रहा। इसका मतलब है कुछ तो कहीं एग्री करते हैं जी मसे। गुल साहब, इनका जो पेज है ना वो दो रंगी है, एक तरफ जो है वो सारे अपोजिशन लोगों के नाम लिखे हैं कि ये अंदर चले जाएं, और दूसरे पेज के ऊपर जितने करप्ट लोग इनके साथ हैं वो बाहर दंदनाते फिरे, और ये है इनका पेज। मगर ये पेज जो चलने वाला नहीं। मैं आखिर में ये मैं कह दूं, मेरी बहन ये कह रही थी कि आपको कोई अंदर नहीं करेगा, सुनिए चले, मैं कहती हूँ कि अगर मैं क्या कह सकती हूँ, मैंने कहा कि जिन्होंने करप्शन नहीं की उनको कोई अंदर नहीं करेगा। ये नारा जो लगाते लगाते आज ख्वाजा सादर भी गया, हम सब जाने के लिए तैयार हैं, बहुत करप्शन की है भाई, हमने मुशर्रफ की सख्ती झेली है, लेकिन हम पाकिस्तान के साथ और अपनी लीडरशिप के साथ जो है वो कमिटेड है और रहेंगे, चाहे हालात जैसे भी हो, हालात की संगीनी का हमें फिक्र नहीं है, मगर हमें अगर फिक्र है तो आज उस मजदूर का है जिसकी मजदूरी के ऊपर आपने डाका डाल दिया है, हमें फिक्र है तो उस बंदे का जिसकी दुकानें आपने गिरा दी हैं, हमें फिक्र है तो उस कारोबारी का जिसको बलिया बेच आप जो है वो कर रहे हैं, हमें अपनी फिक्र नहीं है अल्लाह की मेहरबानी से, हमारे हाथ जो है वो साफ है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि जिनके हाथ साफ हो वो जेलों में ना जाए, ये कोई जरूरी नहीं है। आप देखिए, बात यह है कि यहाँ जो जितनी गुफ्तगू की गई, आपने पूछा जी कि क्या वजह है कि जो हुकूमत एक तरफ है और अपोजिशन। देखें, हमने पहले दिन अपोजिशन ने आके असेंबली के अंदर जब बात कही, और जब इमरान खान साहब ने ये बात कही थी कि मैं खुद अपने सवालों को जवाब देने के लिए पार्लियामेंट में आया करूंगा, हमने कहा कि आप कदम बढ़ाएं, हम आपके साथ हैं, हम आपको सपोर्ट करना चाहते हैं, हम ये नहीं चाहते कि हमें करप्शन के बुनियाद पर या जिसकी बुनियाद पर वो करने, वो जो कर रहे हैं वो करने दें, आप तो कुछ गवर्नमेंट करें, आप रोज़ाना ट्रांसफ़र पोस्टिंग खुद ही फैसले खुद ही ठीक है। बहुत शुक्रिया नवीद चौधरी साहब, वहीद गुल साहब, चीमा साहब, बहुत शुक्रिया, हमें इजाजत दीजिए, अल्लाह के बाद।